पोको F1। दोस्तों आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा। ये है सोमी का पोको F1, अपने ज़माने का फ्लैगशिप डिवाइस। तो इसको मैंने बाय किया है yantra.com से, 6GB 64GB का मॉडल। तो चलिए आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसी क्वालिटी हमें मिलती है पोको F1 की लगभग 4 सालों के बाद। तो दोस्तों जैसा कि आप पैकेजिंग देख रहे हैं, पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है और कहीं से पैकेजिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो बॉक्स को अनरैप करने के बाद मुझे इस तरह का बॉक्स मिला है और ये यांत्रा रिफर्बिश्ड बॉक्स है। इसमें ब्रांड बॉक्स दोस्तों नहीं मिला है। ये कैटेगरी B का है और इसमें 1 साल की वारंटी दी गई है। तो दोनों तरफ से ये सील है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए इसका सील को हम अनसील करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बॉक्स को मैं अभी ओपन कर रहा हूं और आपके सामने दिखाऊंगा कि यांत्रा की बी कैटेगरी की डिवाइस कैसी होती है। तो ये बहुत अच्छे से पैक की हुई है रैपर के अंदर और इसके अंदर हमें मिल जाता है एक डेटा केबल टाइप सी का, जैसा कि आप देख रहे हैं, और एक चार्जर हमें मिल जाता है 2 एम्पियर का। तो दोस्तों ये फास्ट चार्जर है 2 एम्पियर का, 18 वाट सपोर्ट करता है और पोको F1 इससे अच्छे से चार्ज हो सकता है। इसमें दोस्तों ओरिजिनल चार्जर नहीं आता है, ये यांत्रा का अपना चार्जर है। इसके अंदर और हमें कुछ नहीं मिलता है। डब्बे को हम साइड कर लेते हैं और इसके बाद हम डिवाइस को निकाल लेते हैं। दोस्तों ट्राइपॉड नहीं होने के कारण मैं एक हाथ से ही वीडियो बना रहा हूँ और इसमें एक सिम इजेक्टर टूल भी है। और ये देखिए दोस्तों, ये फ्रंट लुक है पोको F1 का। ये बिल्कुल दोस्तों नए जैसा है। इसमें आपको थोड़ा सा भी कहीं से भी कोई स्क्रैच नज़र नहीं आएगा। दोस्तों यांत्रा से मेरा कभी भी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है और मैं आपको सलाह भी दूंगा कि आप यांत्रा से मोबाइल बाय कर सकते हैं। दोस्तों आगे से भी हमें कोई स्क्रैच नहीं मिला, पीछे से भी कोई नहीं मिला, एकदम नए जैसा है। तो चलिए इसको बूट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बूट करने के बाद ये पोको की ब्रांडिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों बूट होने में थोड़ा समय लगेगा, इसमें MIUI प्री इंस्टॉल आता है। इसमें दोस्तों आप कस्टम रोम भी डाल सकते हैं। कस्टम रोम अगर आपको डालना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल में कुछ अलग वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये फर्स्ट स्क्रीन है और ये सेटअप होकर आता है दोस्तों, और ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है स्क्रीन की। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा होगी कि वीडियो आपको पसंद